हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। एंड यहाँ पर एक मैच हो रहा है CONCACF लीग का, चैंपियंस लीग का, जो कि लॉस एंजलिस FC वर्सेस LA के बीच खेला जाएगा। ये टीम अलग लीग की है और LAF टीम अलग लीग की है। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे। सो बात करें इस मैच की, देन लाइक लॉस एंजलिस FC और LA दोनों टीम्स काफ़ी मतलब फ़र्क है। लॉस एंजलिस टीम आ जाती है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा, और एक तरफा मैच है। 8 बजे सुबह मेरा मन है मैं अभी खेलूँ, तो देखते हैं। और अगर गाइस मैंने टीम नहीं दी तो प्लीज़ अपने आप से ज़रूर खेलना, मैच बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, रिस्की, एक पैसे का रिस्की नहीं है। अगर इसको रिस्की बोलते हो तो फिर तो भाई छोड़ दो। एंड बात करें स्ट्राइकिंग की, तो सबसे पहले मिडफील्डिंग की, तो यहाँ पर लेंगे डैनिस ब्लोंगा को, 2 बार से कैप्टन रख रहा हूँ। सेकेंड लास्ट मैच का मुझे नहीं पता कि आपने वो देखा था कि नहीं, लास्ट मैच अभी 10 दिन के अंदर ही हुआ था जिसमें मेरा कैप्टन था, और आपके सामने इसने एक असिस्ट एक गोल किया था, और पॉइंट इसके कम से कम विदाउट कैप्टनशिप के 70-80 पॉइंट थे, और टोटल कैप्टन के बाद 160 हो गए। तो देखा जाए तो कहाँ से बुरा है प्लेयर, मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो इतना तगड़ा जीते थे ना लोगों वाला मैच। इसका लॉस एंजलिस के साथ एक मैच था एक टीम का जिसका नाम था न्यू रिवोल्यूशन करके कुछ था, मैं भूल गया हूँ, तो वो करके तो मतलब उधर इतना ज़बरदस्त खेला था, 4-0 से हराया था इन्होंने। और इसी वेला को चांस ना देकर ओपोकू को चांस दिया था, और एक नया और प्लेयर था इनका एस बुइक, इसको चांस दिया था। देखो इसको तो अब हम देखो, बुइक को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्यूक को लोगे, लेकिन अब वैसे तो लास्ट मैच में इसने भी गोल किया था, तो आप सबको थोड़ा ले सकते हो लास्ट मैच देख के। इसलिए मेरी नज़र से देखो तो भाई सी वेला अगर खेलता है तो बहुत बेटर है आपके लिए, वाइस कैप्टन के अनेक द्वार खुल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं खेलता तो इसको हटा कर मिडफील्डर के बजाय मैं राय दूंगा, मिडफील्डर तो ऐसे बहुत है, मिडफील्डर के बजाय किसी डिफेंडर के साथ जाना, मेरी राय अगर मानो, क्योंकि सी वेला लास्ट के 3 मैच नहीं खेल रहा। तो देखो अभी आप सी वेला को ड्रॉप ही रखो, क्योंकि सी वेला अगर खेलता है फिर तो आप लोग लेओगे भी, और वाइस कैप्टन भी आपको रखना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ आप समझ लो। सी वेला अगर खेलता है तो आपने इस प्लेयर को लेना है और वाइस कैप्टन भी रखना है, नहीं खेलता तो इसकी जगह डिफेंडर लेना है। और जो सामने वाली टीम की बात करी जाए तो वेनेगस को लेंगे, डी रॉड्रिगस को अभी मैं नहीं लूँगा, और ना ही अभी नहीं मैं लूँगा ही नहीं उसको, ठीक है। एंड आगे से बात करें मिडफील्डिंग सेक्शन की, तो मिडफील्डिंग में ए सौरस को लेंगे यहाँ पे, और एंड ए लोपेस को, सीमोरा को यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक दिस प्लेयर, ठीक है। तो हर तरफ से यही दोनों बनते हैं। एंड आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग साइड की, डिफेंडिंग में देखो सीधी सीधी बात है, डी बलेशियस मुरिलो और इनका टॉप का प्लेयर जॉर्जी, ये तीनों प्लेयर के बलबूते में ना LAF की डिफेंडिंग चल रही है। और आप कभी भी देखना, जो टीम स्ट्रांग होगी ना उसकी डिफेंडिंग 10 गुना और स्ट्रांग होगी। जो भी, अगर आज रोनाल्डो 4 गोल कर रहे हैं तो उस 4 गोल के पीछे किसी की असिस्ट भी है, तो ये भी देखा करो, ठीक है। एंड हॉलिंग्स हेड को तो भूल ही नहीं सकते। एक बार मैं जॉर्जी को छोड़ दूंगा, एक बार मैं किसी को छोड़ दूंगा, लेकिन हॉलिंग्स हेड को मैं कभी ड्रॉप आउट नहीं करता, ये मेरा एक मान लो असूल मान के चल लो। एंड बात करें गोलकीपर की, तो एम अजू को यहाँ पर लेंगे, तो ये हमारी टीम है। और कैप्टन की अगर बात की जाए तो कैप्टन तो समझ ही गए हो, डी बाऊंगा, वाइस कैप्टन ओकुबू को रखूँगा। अगर सी वेला खेला फिर तो बात ही ख़त्म, सी वेला खेला तो इसको हटा के, वाइस कैप्टनशिप से हटा के सी वेला को वाइस कैप्टन रख दूंगा, ठीक है। आपने भी यही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।